इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में सुमन गिल को पहले T20 से किया जाएगा बाहर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें रांची पहुंच चुकी हैं। टीम इंडिया हार्दिक की कप्तानी में मैदान में उतरेगी। भारत ने सीरीज के लिए पृथ्वी शॉ को टीम में शामिल किया है, तो वहीं सुमन गिल को बाहर होना पड़ेगा। पृथ्वी की लंबे समय बाद टीम में वापसी हुई है। उन्होंने इससे पहले घरेलू मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि इससे बावजूद पृथ्वी को प्लेइंग 11 में जगह मिलने की संभावना भी दी गई है। ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने की खबर है, लेकिन उनको लेकर खबर लिखने तक आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रांची में आयोजित होगा। इस मुकाबले में भारत को ईशान किशन एवं पृथ्वी शॉ की ओपनिंग का मौका दे सकता है। सुमन गिल ने हाल ही में अभी बताया है कि वह अच्छा प्रदर्शन किया है, तो अभी पहले T20 मैच से बाहर रहेंगे, जबकि ईशान भी खुद को साबित कर चुके हैं। टीम इंडिया नंबर 3 के लिए राहुल त्रिपाठी को मौका दे सकते हैं, जबकि सूर्य कुमार यादव को नंबर 4 पर बैटिंग कर सकते हैं। विकेट कीपिंग के लिए जितेश शर्मा को मौका मिल सकता है और पृथ्वी शॉ को प्लेइंग 11 में जगह मिल गई है। हालांकि वे अभी फॉर्म में हैं और घरेलू मैचों में दमदार प्रदर्शन भी किया है। उन्होंने मुंबई के लिए खेले आसाम के खिलाफ मुकाबले में 379 रन बनाए हैं, लेकिन पृथ्वी 2021 के बाद टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पाए थे। उन्होंने आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच श्रीलंका के खिलाफ जुलाई 2021 में खेला था, यह उनका डेब्यू मैच था। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए सुमन गिल को पहले T20 मैच में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी क्रिकेट की हर एक खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।